की जोड़ी और मध्य प्रदेश में मोहन कैलाश की जोड़ी कहने ही क्या। इन दोनों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों के दांत खट्टे कर दिए। चुनाव के पूर्व इन दोनों के राजनीतिक चातुर्य ने राजनीति के चाणक्य के माने जाने वाले अमित शाह की याद दिला दी। राजनीति का गढ़ माने जाने वाले इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी को अपने पाले में लाकर कांग्रेस को अच्छा खासा झटका दिया। राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले और संगठन पर अपना खास दबदबा रखने वाले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जोड़ी इस लोकसभा चुनाव में भी कुछ न कुछ करिश्मा जरूर करेगी। सूबे के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होने के बाद बड़े बीजेपी नेताओं के नाम के कयास लगाए जा रहे थे कि हो न हो इनमें से किसी एक को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने मोहन यादव के नाम का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। स्वयं मोहन भी आश्चर्यचकित रह गए होंगे कि उन्हें एमपी की कमान सौंप दी जाएगी। खैर, मोहन यादव ने मोदी के विश्वास को कायम रखने का जिम्मा लिया और प्रदेश की कमान हाथ में आते ही ऐसे फैसले लेने की शुरुआत कर दी जो न केवल दमदार थे बल्कि हिम्मती भी कहे जा सकते थे। इसके अलावा मोहन यादव ने ऐसे अवसरों पर भी गाज गिराने का काम किया जो अपने आप को जनता का सेवक न मानते हुए चने के झाड़ पर चढ़े हुए थे। कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन यादव ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए और जनता को ये संदेश दिया कि भले ही सीएम हो लेकिन जनता उनके लिए भगवान है। जनता के नायक बनने के बाद मोहन यादव ने रुख किया अपनी पार्टी बीजेपी के विकास की तरफ। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं को भी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का उनका कार्य सुतत्य ही माना जाएगा। उज्जैन की धरती के लाल डॉक्टर मोहन यादव का दिमाग चाणक्य की तरह चलता है। वहीं उनके मंत्रिमंडल के दमदार मंत्री और जिनकी तूती बोलती है कैलाश विजयवर्गीय का दिमाग भी कंप्यूटर से कम नहीं। वे बोलते कम हैं और करते ज्यादा है। कथनी और करनी में भी वे अंतर नहीं रखते और ना ही बड़बोलापन उनमें है। जमीन से जुड़े होने के कई उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने आ चुके हैं। चाहे उज्जैन में अपने दोस्त के ठेले पर रुककर नारियल पानी पीना हो या फिर अंगूर खाना हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय का इंदौरी पोहे खाना हो। कैलाश और मोहन, वाह, आपके क्या कहने। अब बात करते हैं प्रदेश की राजनीति की, जिसमें मोहन यादव धुरी बने हुए हैं जबकि कैलाश विजयवर्गीय उनके सफर के हम सफर। मोहन और कैलाश राजनीति के क्षेत्र में हम साथ साथ की तर्ज पर कांग्रेस को खोखला करने में जुटे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ भी स्वीकार करने से गुरेज नहीं कर रहे, क्योंकि मोहन और कैलाश की जिस तरह से जुगलबंदी कांग्रेस को प्रदेश की राजनीति से दरकिनार करने में जुटी है, उससे कांग्रेस का भविष्य सामने दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का नाम ही शेष रह जाए कि कभी कांग्रेस भी हुआ करती थी। इंदौर में बीते दिन हुए अक्षय कांति के घटनाक्रम के हीरो निश्चित ही कैलाश विजयवर्गीय है, क्योंकि ये माना जाता है कि जहां से बड़े नेताओं की सोच खत्म होती है वहीं से कैलाश विजयवर्गीय की सोच शुरू होती है। क्योंकि अक्षय के मामले में कांग्रेसियों तक को भनक नहीं होने दी गई। स्वयं अक्षय कांति बम भी सुबह तक प्रचार कर रहे थे और दोपहर में उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वे बीजेपी के हमेशा के लिए हो गए। आगे भी बीजेपी का कुनबा कांग्रेसियों से ही बढ़ता रहेगा, इसमें भी संशय की बात नहीं दिखाई देती। मोहन की मुस्कान के कायल कांग्रेसी निरंतर बन रहे हैं, या फिर कहें कि मोहन की मुस्कान के जाल में कांग्रेसी फंस रहे हैं और इसमें साथ दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। मोदी भी खुश और बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली के मुखिया भी खुश। भले ही अन्य लोग या अन्य पार्टियों के लोग बीजेपी न आए, परंतु कांग्रेस में जो सेंधमारी मोहन एंड कैलाश पार्टी ने की वो नया इतिहास बना रही है।